चैनल कल्पना क्रिएटिव कॉर्नर, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो आपको मैंने बाहर का वेदर दिखाया, अभी काफ़ी अच्छा है। अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का, इवनिंग के 5, 5:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा है। और मैंने एक्चुअली अभी शहर लिया है। मैं आजकल क्या करती हूँ ना, घर पे ही हूँ तो उस वजह से शाम को ही शहर लेती हूँ। और कभी कभी मन करता है। कैसे हैं आप सब, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा गाइज। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो बाहर का वेदर तो गाइज बहुत अच्छा है। अभी धूप भी लगी है हल्की हल्की सी, और मतलब कुछ दिन से ना बारिश रुकी हुई है, उस वजह से क्या हो रहा है, जो धूप है वो 6 बजे तक रहती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है अभी। और शाम का सनसेट देखना मुझे बहुत पसंद है, तो इस टाइम में नहा धो के ना मैं बाहर निकल जाती हूँ। और चलिए फिर करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि घर पे क्या आए हैं, मैंगो। मैंगो पता कौन से, वो कच्ची अम्मियाँ होती है ना छोटी छोटी, और बेचारे नन्ने मुन्ने बच्चे थे मतलब मैंगो के, वो सारे झड़ गए। तूफान आया था ना पीछे रामपुर में, और ये भेजे हैं मदर इन लॉ ने। इसमें है, मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें है नन्हे मुन्ने से आम के बच्चे जो बेचारे ना खत्म हो गए थे, समझ लो ये झड़ गए थे पेड़ से। और देखिए कितने हैं ये, इतने इतने साइज के हैं, बहुत। बट मैं बहुत खुश हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ इसकी चटनी बनाती हूँ आज। वैसे तो इसकी ना वो खटाई बहुत अच्छी बनती है, तो मेरे ससुराल साइड ना बहुत, मेरे मदर इन लॉ बहुत अच्छी बनाते हैं इसकी खटाई, उनसे ही सीखा है मैंने, मुझे तो पता नहीं था। और हमारे रामपुर साइड होते भी नहीं है ये, क्योंकि हिमाचल में मैंगो थोड़े कम होते हैं, और प्लेन एरिया जो मेरा ससुराल साइड बिलासपुर है वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, मैंगो बहुत होते हैं। बट ये हमने रामपुर में फादर इन लॉ ने लगाया है, ये घर के सामने ही पेड़ है, और मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स है उन्हें पता है। सो इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है गाइज, उसमें पिछली बार बिल्कुल भी नहीं थे, इस बार काफी अच्छी फसल है और बहुत सारे लगे हैं, बहुत सारे। और मदर इन लॉ ने फोटो भी भेजी थी व्हाट्सएप पे, बहुत मतलब इस बार बहुत अच्छे से लगा है वो। तो ये वो थे जो थोड़ा नीचे झड़ गए थे ना, तो ऐसे क्यों वेस्ट करने। और इससे चटनी वगैरह काफी अच्छी बन जाती है, खटाई बहुत अच्छी बनती है, खटाई मतलब इनको कट करके इसकी सब्जी गुड़ वाली, बहुत मजा आ जाता है। तो ये मम्मी ने भेजा है, तो हस्बैंड लेके आए थे। तो अब मैं सोच रही हूँ इसकी ना आज चटनी बनाती हूँ, खट्टी खट्टी सी, मन कर रहा है खाने का। और क्योंकि आजकल पुदीना तो है नहीं है, मार्केट में नहीं आ रहा सब्जी वालों के पास, तो मेरा मन कर रहा है चटनी बनाने का। और साथ साथ मैं आज बनाने वाली हूँ स्पेशल डिनर, काफी टाइम से मन था और हस्बैंड का भी, सो इसलिए तो मैं बनाने वाली हूँ आज आम की चटनी। और साथ साथ मैं चढ़ा रही हूँ अब यहाँ पे छोले, तो मैं बना रही हूँ आज बेसिकली छोले पूरियां और खट्टी मीठी आम की चटनी। तो ये कॉम्बिनेशन आज मन कर रहा है खाने का मेरा। सो चलिए फिर करते हैं शुरू। सबसे पहले तो मैं ये चने लगा देती हूँ जो भिगोने को डाले थे। सो ये तो मैंने ऑलरेडी ही मॉर्निंग में डाल दिए थे भिगोने को, और देखिए अच्छे से हो भी गए हैं। तो हो जाते हैं अगर आप 1-2 घंटे पहले इन्हें डाल दो, 3 घंटे पहले भी सही रहता है। और फिर इस तरह से क्या हो जाता है, गैस की काफ़ी सारी बचत भी हो जाती है और सॉफ्ट भी हो जाते हैं, टेस्टी भी बनते हैं। तो यहाँ मैंने चढ़ा दिए हैं, साथ साथ करती हूँ अब चटनी की तैयारी। तो यहाँ पे बस आम को कट करूँगी, अब छोटी छोटी अमियाँ चने तो चढ़ा दिए हैं, आलू उसमें डाल दिए मैंने 3 के करीब, और अब मैं कट करने वाली हूँ मैंगो। चटनी की भी साथ साथ तैयारी कर रही हूँ। वैसे टाइम तो अभी 6 बजने वाले हैं, मतलब 5:30 बजे के आसपास टाइम हुआ है, बट मैं सोचूं टाइम से बना देती हूँ, और 7:30 बजे तक फिर थोड़ा सा ये हो जाता है कि मैं थोड़े और काम भी कर लेती हूँ, थोड़ा ऑनलाइन काम होता है वो भी कर लेती हूँ, तो थोड़ा टाइम मिल जाता है। और तो अभी मैंने सोचा कि चलो जितने में ये पकेगा चटनी रेडी करके रखूंगी, इसमें भी तो टाइम लगेगा। अभी मैंने पूरी का आटा है वो भी गूंदना है, तो बहुत सारी चीजें हैं करने को। तो मैं ईस्ट डालूंगी थोड़ा सा पूरी के आटे के लिए जो मैं डालती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे मैंगो छील रही हूँ अच्छे से। वैसे इतने छोटे छोटे आम को काटना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, बड़े क्यूट से थे, मतलब बेसिकली इनका कत्ल हो रहा है अभी, छोटे छोटे हैं ये, बहुत छोटे छोटे थे और बहुत ज़्यादा हार्ड भी थे। पता नहीं अब कैसी बनेगी इसकी चटनी, और बना तो रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने हमेशा थोड़े से बड़े आम की ही बनाई है, तो इस बार ही बना रही हूँ ये छोटे छोटे आम की। तो मदर इन लॉ कह रहे थे कि अच्छी बनती है, तो अब चलिए देखते हैं, इसे ट्राई कर रही हूँ आज, एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ।
तो कच्चे आम की भी कई लोग बना लेते हैं, तो बट मैं सोच रही हूँ कि इन्हें ना अच्छे से पहले फ्राई कर दूँगी, जैसे मैं कोकोनट की चटनी बनाती हूँ सेम वैसे ही। तो अंदर वाला पार्ट मैं साइड रख रही हूँ और बाहर वाला छिलका, इसका बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी काटने में। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अनियन भी कट कर दिया है और साथ साथ थोड़ी सी लहसुन भी कट करूँगी, क्योंकि मैं इसे फ्राई करके बना रही हूँ तो लहसुन भी अच्छी लगती है। वैसे कच्ची लहसुन आप ना डालें चटनी में, अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो बस यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें कट हो गई हैं, प्याज हो गया, टमाटर, लहसुन और साथ में अमियाँ, तो छोटी छोटी अमियाँ ही बोलते हैं शायद इन्हें। और यहाँ पे बस मैं डाल रही हूँ अनियन वगैरह, कढ़ाई में इकट्ठे ही डाल दूँगी सारा ताकि अच्छे से हो जाएं। तो इस तरह से चटनी ना बहुत अच्छी बनती है और पकती भी है। और कच्चे आम की चटनी मैंने कभी उस तरह से नहीं बनाई कि बिल्कुल ही कच्चे आम डाल दूँ, बट इस तरह से तो मैंने हमेशा बनाई है, मतलब पहले भी ट्राई किया है। और ये तो बिल्कुल खटाई की तरह बनेगी, और वैसे पहले तो मन कर रहा था खटाई बनाने का, अब देखती हूँ चटनी बना देती हूँ पहले, अगर बाद में मन किया तो फिर बना देंगे खटाई भी। वैसे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है और मुझे भी बड़े बड़े आम की, बट ये तो बहुत ही छोटे आम थे गाइज, इस बार ये तो मैंने फर्स्ट टाइम ही छोटे छोटे आम का मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ। सो बस यहाँ पे मैंने दो लाल मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, और यहाँ पे बस मैं नमक वगैरह ऐड कर दूँगी इसमें, ताकि फिर बाद में मिक्स करने की ज़रूरत ना पड़े। तो बस अब इसे हम थोड़ा सा मैं इसमें गुड़ मिला रही हूँ, खट्टी मीठी बनती है चटनी, फिर कहीं ऐसा ना हो जाए आम का ज़्यादा ही खट्टापन आ जाए तो वो भी फिर अजीब सा लगता है, तो बैलेंस सा होना चाहिए। तो बस अब इसे थोड़ा सा स्टर करने के बाद, और इसे मैं अब जार में कर दूँगी इसके बाद मिक्स, और बन जाएगी हमारी चटनी। इजी है बनाना, ज़्यादा टफ काम नहीं है, बट एक दिन मैं सोच रही हूँ मैं कच्चे आम की भी ज़रूर ट्राई करूँगी। तो अभी मुझे रिस्की लग रहा था थोड़ा कच्चे आम ट्राई करना, मुझे लगा कहीं पेट में फिर पेन ना हो। तो बस यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं जार में, और चला दूँगी इसे और बन जाएगी हमारी यम्मी सी चटनी। तो देखते हैं किस तरह की बनती है। तो इस तरह से भी मैं ट्राई कर रही हूँ और कच्चे आम की भी करूँगी ज़रूर। तो यहाँ पे बस अब मैं चला रही हूँ मिक्सी को, अब देखते हैं कैसी बनेगी। उम्मीद तो है कि अच्छी बनेगी, पर एक्चुअली पुदीना नहीं आ रहा है, पुदीने के साथ तो अच्छी बनती ही है चटनी, बट बिना पुदीने के ना थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने में भी अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे सीटी भी आ रही थी साथ साथ छोलों में, तो देखते हैं कि किस तरह की बनी है। टेक्सचर तो काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल बारीक पीस दी थी मैंने, तो अब देखते हैं किस तरह की ये बनेगी, टेस्ट में कैसी होगी। और बस मैं इसे यहाँ पे निकाल रही हूँ और अब इसे शिफ्ट कर दूँगी, साथ साथ ही शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि ये जार में ना फिर सारी चीज़ें फंस जाती है और धुलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है फिर, इसलिए जो भी हो स्मूदी हो कुछ भी हो। सो गाइस चटनी तो बहुत टेस्टी बनी है, ये देखिए बहुत अच्छा फ्लेवर आया है इसका, और इस तरह से खटाई भी बनती है ऐसे ही सेम, पर बहुत अच्छा टेस्ट है सच में, टैंगी सा फ्लेवर है, खट्टा खट्टा सा, और जो आम का पूरा जो फ्लेवर है ना वो पूरा मुंह में आ रहा है, बहुत टेस्टी बनी है। सो ये भी थोड़ी सी बनाई है मैंने, ज्यादा नहीं बनी, और कच्चे आम की भी बना सकते हैं प्योर कच्चा आम मिक्सी में डायरेक्ट करके, बट मुझे थोड़ा सा इसका जो टेक्सचर है ना माइल्ड सा चाहिए था, और पका पकाया मुझे लगा कहीं कच्चा आम है और पेट में प्रॉब्लम ना करे, इस वजह से थोड़ा सा इसको ना मैंने भून लिया पहले। सो चलिए छोले भी होने को तैयार है, मैं फटाफट से चॉपिंग कर लेती हूँ प्याज वगैरह। छोले बहुत सिंपल बनाऊंगी, बस लास्ट में गरम मसाला ऐड कर दूंगी, बाकी तो सिंपल ही बना रही हूँ, ज्यादा कुछ ऐसे। इसके बाद गाइस लगी थी मैं यहाँ पे पूरियों का आटा गूंदने, इसमें मैंने थोड़ा सा ईस्ट डाला है और थोड़ी सी अजवाइन, दो चीज़ें मिक्स की है। और यहाँ पे कुकर भी मैंने बंद कर दिया था, सीटियाँ आ गई थी, पक गए थे छोले भी, तो आटा गूंद के रख रही हूँ, बनाऊंगी थोड़ा सा लेट ही, और ताकि तब तक थोड़ा सा एक डेढ़ घंटे में ये अच्छे से स्वेल भी हो जाए, और पूरियाँ काफ़ी अच्छी बनती है फुली फुली सी, तो थोड़ा सा गूंद रही हूँ ज़्यादा नहीं, और हो जाएगा ये शाम के लिए, फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए भी बच जाए आटा तो फिर सही रहता है। और यहाँ पे गर्मियाँ हैं, फ्रिज नहीं है अभी मेरे पास, तो फिर उस वजह से दिक्कत हो जाती है ज़्यादा गूंद के रखो तो। तो बस थोड़ा सा ही गूंदती हूँ शाम के लिए और सुबह तक, और क्योंकि सुबह तक तो चल ही पड़ता है आटा, फिर सुबह से या डे टाइम में अगर राइस खाने हो, नहीं तो फिर डे टाइम पे दोबारा से गूंथ लेती हूँ। तो अभी तो इवनिंग का टाइम था, और तो भी थोड़ा सा ही गूंदा है मैंने, ज़्यादा नहीं गूंदा है, और अभी तो फूलेगा भी,
और पूरियाँ तो ज़्यादा खाई भी नहीं जाती है। हस्बैंड तो काफ़ी पसंद करते हैं पूरी और छोले, मैं भी करती हूँ, बट अभी प्रेगनेंसी टाइम में तो मैंने बहुत बार बना दिया है, बड़ा मन करता है पूरी और छोले खाने का। तो शुरू में तो खाया नहीं जाता था वॉमिट की वजह से, बट आजकल बहुत ज़्यादा मन करता है तो बना लेती हूँ। तो गाइज आटा वगैरह तो गूंथ दिया है मैंने और चने भी हो गए हैं, चटनी भी बन गई, आटा भी गूंथ दिया है। सो कढ़ाई मैंने ऐसी रखी है, मैं इसी में तड़का लगाऊंगी। तो अभी थोड़ा सा मैं रिलैक्स करती हूँ और कुछ मेल वगैरह हैं उनको करती हूँ, उनका काम करती हूँ और उसके बाद फिर बनाऊंगी बाद में, अभी तो मन नहीं कर रहा है बनाने का। सो थोड़ा बहुत काम करके रखो ना अगर किचन का, तो बाद में फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। और बाय द वे बाल भी मेरे सूखे हैं, सो खुले इसलिए रखे थे क्योंकि सूखे नहीं थे यहाँ से पीछे से ना। सो बाय द वे मैंने ये बहुत प्यारा सा पहना है नाइट सूट, काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे इसमें पॉकेट भी दी है गाइस और बहुत अच्छा है। इसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, पूरा सेट है ये, और जो इसका पजामा है ये भी इसी ही से इसके साथ मैचिंग है। तो ये मैंने दो लिए थे, ग्रे कलर का और ये ब्लू कलर का, काफ़ी अच्छा है, कम्फर्टेबल है, कॉटन मटीरियल है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, सो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छी नाइट सूट की वेराइटीज़ है, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और कई लोगों ने मुझसे लिंक भी मांगा था, मैंने दिया भी उन लोगों को, बट बोल रहे थे कि दी एक्सपेंसिव है, बट ये चीज़ें कि क्वालिटी वाइज स्टफ वाइज काफ़ी अच्छे होते हैं ये गर्मियों के लिए, तो वही है कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही प्राइस होगा। सो बाय द वे ना छोटू सा सैनिटाइजर है, देखो खत्म हो गया है मेरा सैनिटाइजर भी, खत्म हो गया हैंड वाला। चलिए फिर थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। चलिए पौधों को भी पानी मैंने दे दिया है अच्छे से और अब करते हैं बाकी के काम। सो गाइस बाहर तो होने वाला है अंधेरा, तो लाइट ऑन कर देती हूँ। लाइट अभी पता क्यों मैं ऑन नहीं करती हूँ इस रूम की, अभी अब थोड़ी सी ब्राइटनेस आई है क्योंकि थोड़े छोटे छोटे मच्छर पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, तो किचन में जाली वाली विंडो है ना वहाँ से आ जाते हैं, तो इसलिए मैं अभी क्या करती हूँ ना इस वाले रूम की लाइट ना बंद करके रखती हूँ और हम अंदर बैठ जाते हैं, अंदर फिर ये हो जाता है कि लाइट मतलब एक ही रूम में रहती है, फिर नहीं तो इस रूम में भी जला के रखो ना तो फिर बहुत छोटे छोटे से मच्छर आते हैं बिल्कुल, और रात को कान के पीछे भी 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 करते रहते हैं। सो पानी भी दे दिया है पौधों को और रात भी होने लगी है, मतलब बाहर यहाँ थोड़ा दिख रहा होगा आपको, ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा थोड़ा होने लगा है अंधेरा, तो 7:30 के आसपास टाइम हो रहा है, 8 के करीब होती है। तो चलिए करते हैं पूरियों की तैयारी, हस्बैंड भी आ गए हैं। सो बैठो आप अंदर, आपके लाए हुए आमों का कत्ल कर दिया है छोटे छोटे ने, प्यारे प्यारे से, पहले सोची थी ना पता नहीं अच्छे बनेंगे कि नहीं, बट अच्छी बनी है चटनी, टेस्टी बनी है। सो छोटे छोटे आम ना तो अच्छे लगते हैं क्यूट क्यूट से, बट मैंने सोचा नहीं था अच्छी बनेगी, ट्रस्ट नहीं था मुझे। चलिए अब बनाते हैं पूरियाँ, छोलों में तड़का लगाते हैं, डिनर बना लेते हैं, रात होने लगी है बाहर और ये कोई ना घंटी बजा रहा है, पूजा कर रहा है कोई। सो यहाँ पे मैंने छोले भी तड़क दिए थे गाइस, सिंपल सा तड़का लगा रही हूँ, साथ साथ कढ़ाई में आप देख रहे होंगे। तो हस्बैंड का कर रहा था मन खटाई खाने का, तो मैंने थोड़ी सी खटाई और बना दी, मतलब कि चटनी अलग से बनाई है और आम को अलग से कट किया फिर उस तरह से बनाई। और यहाँ पे मैं छोलों को भी साथ साथ तड़का लगा रही हूँ, एक साथ दो दो काम हो गए हैं, तो बस अब लास्ट काम रहेगा फिर पूरियाँ बनाने का, वो तभी बनाऊंगी जब बाद में खाना होगा गर्मा गर्म। तो बस यहाँ पे सिंपल सा बेसिक सा जो तड़का होता है बिना टमाटर वाला वो बना दिया है, और यहाँ देखिए मैंने छोले भी ऐड कर दिए हैं। अब इसे 5 तक थोड़ा सा सिम आंच में पकने देंगे, और ये देखिए हमारी खटाई भी बनके तैयार है, बहुत इजी है बनाना, रेसिपी शेयर करूँगी कल परसों तक, और इसके साथ साथ ही आटा भी हो गया था। सो गाइस छोले भी बनके तैयार है और साथ ही साथ थोड़ी सी हस्बैंड ने कहा बना दो खटाई, और वैसे तो चटनी भी खट्टी थी बट खटाई खाने का उनका मन था तो मैंने खटाई बना दी, अच्छी लगती है छोले के साथ। और यहाँ पे आटा भी थोड़ा अच्छा हो गया फ्लफी सा, सो अब इसके बाद लगा दूँगी मैं फटाफट से पूरियाँ। छोले बहुत सिंपल बनाए हैं बिना टमाटर वाले, हल्का सा बस
लास्ट में गरम मसाला ऐड करूँगी। अभी थोड़ा सा इन्हें ज़्यादा पानी नहीं डाला क्योंकि पूरियों के साथ बना रही हूँ घने घने, तो बस थोड़ा सा ही डाला है हल्का सा। सो चलिए करते हैं फिर पूरी की तैयारियाँ। खटाई हो गई है सो इस कढ़ाई से मैं शिफ्ट कर देती हूँ इसे, उसके बाद फिर यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा होने लगा था और बस यहाँ पे अब मैं पूरियाँ तलने लगी हूँ। सिंपल सी बना रही हूँ पूरियाँ और काफ़ी अच्छी बनती हैं। पहले मुझे आपको बताऊँ तो पूरियाँ बनाना नहीं आता था अच्छे से, और अब मेरी पूरियाँ फूलती भी है बनती भी हैं। तो पहले बहुत मोटी मोटी सी बनाती थी मैं, अब मुझे आ गई है थोड़ी अच्छे तरीके से। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से पूरियाँ बना दूँगी अब एक वन बाय वन करके, और जैसे ही चार पाँच बनेंगी सबसे पहले हस्बैंड को सर्व कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं खा लूँगी। गर्मा गर्म ठीक रहता है, मैं इसी तरह करती हूँ, साथ साथ बनाती हूँ साथ साथ सर्व करती हूँ, तो सही रहता है। फिर जब तक मैं अपने लिए बनाने लगूँगी फिर ठंडी हो जाएगी, फिर मज़ा नहीं आता। और पूरियों का मज़ा ही आता है जब वो गर्मा गर्म हो, फिर वो थोड़ी सी फूल के फुस भी हो जाती है और उस वजह से फिर टेस्ट भी नहीं आता, फुली फुली हो तो मज़ा आ जाता है। सो गाइज खाना बन के तैयार है, पूजा मैंने कर ली है और टाइम होने लगा है 8:30 बजे के आसपास। टाइम से खाना भी बन गया था और थोड़ा खटाई में टाइम लग गया मुझे बनाने में। सो फेस देखिए रेड सा हो गया है, ऑयली ऑयली सा जब आप ऐसे तलते हो ना कुछ। और अभी मैंने विंडो ओपन की है किचन की क्योंकि ऑयल ऑयल बहुत हो गया था। सो पूरियां भी बनके तैयार हैं। सो चलिए अब करते हैं डिनर सर्व, तो उसके बाद फिर दिखाती हूँ आपको कैसा है आज के डिनर का लुक। तो अब इतना टेस्टी टेस्टी खाना बनाया है तो आपको दिखाना तो बनता है। सो गाइज छोलों का आप लुक देख लीजिए, कितना अच्छा सा कलर आया है, घने घने से बनाए हैं और साथ साथ मैंने पूरियां भी यहाँ पे बना दी है। कम हो जाएगी तो फिर से बना दूंगी, ये इतनी सी अभी पूरियां बनी हैं। तो चलिए गाइज फिर अब करते हैं हस्बैंड को सर्व। तो थोड़ी सी खटाई, थोड़ा सा चने, दो पूरियां, थोड़ा सा प्याज, प्याज के बिना तो छोले अधूरे हैं। तो चलिए फिर अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ प्यारे से डिनर के साथ। उम्मीद है मुझे आज का व्लॉग आपने पसंद किया होगा। तो ये थोड़े डे टाइम की क्लिप थी, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। लॉट्स ऑफ लव गाइज, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।